नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज हिंदी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से अधिक चार्ज करने वाले अस्पतालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अनिल विज जी, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा कहा गया कि प्रदेश में कोविड 19 के मरीजों से अधिक चार्ज करने वाले अस्पतालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। विज ने राज्य में बताया कि निजी अस्पतालों में उपचार कराने वाले कोरोना मरीजों के लिए बेड व अन्य सुविधाओं के रेट फिक्स किए जा चुके हैं, लेकिन राज्य में इसमें 42 निजी अस्पताल कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। सरकार ने NBH व जैसी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 15,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18,000 रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए जा चुके हैं। इसी प्रकार बिना NBH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड का 8,000 रुपए, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 13,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15,000 रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्राइवेट लैब में भी कोविड टेस्ट करवाने के लिए रेट तय किए जा चुके हैं, जिसके तहत RT-PCR के लिए 450 रुपए, रैपिड एंटीजन के लिए 500 रुपए तथा LC टेस्ट के लिए 250 रुपए फिक्स किए जा चुके हैं। अगर कोई भी अस्पताल इंटरेटरी से ज़्यादा पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीज के लिए टोसिलिज़ुमैब टीके की आवश्यकता अनुसार वितरण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें कोविड 19 के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा वरिष्ठ काउंसिलर डॉक्टर राजीव बडेरा तथा मेदांता की वरिष्ठ चिकित्सका डॉक्टर सुशीला कटारिया को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया जा चुका है। यह समिति टीके के वितरण व अन्य संबंधित मामलों को लेकर मानदंड तय करेगी। यह टीके स्थानीय सिविल सर्जन के माध्यम से निजी अस्पतालों को खरीद के मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज को इंजेक्शन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध किए जा सकते हैं। विज ने कहा कि हरियाणा के अस्पतालों में करीब 70% मरीज दिल्ली व अन्य आसपास के प्रदेशों से दाखिल किए जाते हैं, जिनका उपचार भी उसी प्रकार किया जा रहा है। सरकार प्रदेश के चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र से शीघ्र नई भर्तियों को करना शुरू कर दिया जा चुका है। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे PG व MBBS के फाइनल के करीब 14 विद्यार्थी को राज्य सरकार ने अस्पतालों में सेवा देने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम 24 घंटे के लिए काम करना शुरू कर दिया जा